हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये था जी सुबह का सीन जो कि बड़ा ही खूबसूरत था। गुड मॉर्निंग जहां जहां जी देखा जा रहा है। चलें जी आज की रूटीन शुरू करते हैं। और उसमें जी आज हमने सबसे पहले बनाया अंडा जो कि देसी स्टाइल का था, जो कि देसी अंडा था। इसमें प्याज को काटा, देन उसमें पानी डाला, तो फिर जी इसको मिक्स किया जा रहा है, जिसमें मैंने पानी, नमक, मिर्च जी अपने अपने हिसाब से हल्की सी डाली और फिर इसको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद आपको दिखाते हैं जिसमें मैंने डाले दो अंडे जो कि देसी अंडे हैं। और व्लॉगिंग एक हाथ से पकड़ना मोबाइल बड़ा ही मुश्किल काम है, उसके लिए मैंने दराज से जी वो मंगवाए हुए हैं स्टैंड, जिसको जी हम स्टैंड कह सकते हैं या रिंग लाइट कह सकते हैं, कुछ इस तरह का स्टैंड मतलब मैंने मंगवाया है। तो इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करूंगी जब आएगा। तो ये देखिए जी, अंडा डाल दिया, उसको हाथे से हिला दिया और ये इसकी मेकिंग। इसको जब तवे में डाला तो जब मैं एक मिनट गुजरा तो सोचा ये पक क्यों नहीं रहा, ये बन क्यों नहीं रहा। तो गाइस उसका नीचे से फ्लेम ही बंद था, नीचे से चूल्हा ही बंद था। और जी मैं फिर जी दोबारा से जी चूल्हा ऑन किया और फिर जी इसको पकाया गया और काफ़ी अच्छे से इसको बनाया गया। क्योंकि यही चीज़ है, मेरा ख्याल है जी मैं बड़े अच्छे से बनाती हूँ और मेरे घर वालों को भी ये मेरे हाथ का जो अंडा है ना वो अच्छा लगता है, ये मज़े का लगता है। तो हम तो जनाब इस तरह के ही अंडा खाते हैं या ऑमलेट इस तरह का ही खाते हैं। और आप इस तरह का खाते हैं, आप इस तरह खाते हैं जी, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जी आप काइंडली आप ये वाला नाश्ते में अंडा बना के ज़रूर खाएं, इंशाल्लाह आपको बड़ा मज़ा आएगा। ट्राई कीजिएगा जी कभी। फिर जी इसको इसका कीमा बनाया जा रहा है कीमा बनाया जा रहा है और ये देखिए नहीं, फिर इसको अच्छी तरह पकाया जा रहा है अच्छी तरह, ताकि ये जो अच्छी तरह बन जाए और इसकी जो लुक है ना वो अच्छी निकल रही। इसमें मैंने हल्दी डाली थी, हल्दी जो थी वो मुझे डालना याद नहीं रही। तो जी अंडा बहुत ही मज़ेदार था, ये मेरा नाश्ता था। तो फिर जी इसके बाद मौसम चेक करें, मौसम बहुत ही खूबसूरत था। आज दो तीन दिन हो गए हैं मौसम बड़ा ही लैविश किस्म का होता है, बड़ा ही मज़ा आ रहा होता है। तो ये देखें जी, ये नीचे डॉन ब्रेड की गाड़ी खड़ी हुई है और ये जनाब इस तरह का कुछ सीन है जो कि बड़ा ही मज़ेदार मौसम हुआ है। फिर जी शानदार मौसम है और इसके साथ साथ भी मेरा दिल कर रहा था जी कोल्ड ड्रिंक पीने को। तो इतने प्यारे खूबसूरत मौसम में जी आज हम पियेंगे पेप्सी। तो आप चेक कर सकते हैं व्यू, मौसम बहुत ही खूबसूरत है और साथ में हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। ये हमारे गांव में कुछ कच्चे मकान हैं जिसको मैं ज़ूम करके भी आप तक पहुँचाती हूँ। ये देखेंगे होप्सो आपको नज़र आ रही होंगे, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ आवर विलेज। बड़ा ही खूबसूरत इस टाइम मौसम हुआ हुआ है। और जी मैं अभी नमाज़ पढ़ के आई थी, नमाज़ पढ़ते पढ़ते ख्याल है कि मैं कोल्ड ड्रिंक पी जाए, मौसम बड़ा अच्छा है। क्योंकि दोपहर में जी मैंने खाई थी नान टिक्की, नान कटलस या कुछ भी आप कह लें। तो फिर जनाब उसके बाद घर में आज करेले गोश्त बन रहे थे, तो मेरा उसका मूड नहीं है खाने का, इसलिए मैंने आज दोपहर में ही नान टिक्की खा ली। तो अब जी इतने प्यारे खूबसूरत मौसम में जी कोक पेप्सी इंजॉय की जा रही है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। बाकी व्लॉग जी आप तक इंशाल्लाह पहुँच जाएगा। उम्मीद करती हूँ जी आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे और काइंडली सपोर्ट कर दिया करें, आई नीड योर सपोर्ट। तो मेरी दुआ में याद रखिएगा।